फंडिंग चाहिए, सीधी पल्लवी रोड फंडिंग चाहिए, सीधी पल्लवी रोड फंडिंग चाहिए, सीधी पल्लवी रोड फंडिंग चाहिए। हम क्या चाहते हैं? है ये टैक्सी यूनियन जो ने जो है वो आज यहाँ पे कॉल बुलाई थी, और ये आज पहली कॉल थी, छोटी कॉल थी। बीजी टू बल्लोई रोड जो है वो आप देखते होंगे कि हम हर 6 महीने के बाद मुबारकबाद देते हैं लोगों को कि ये रोड जो है यह बनने वाली है। मजाक हमारा भी बन गया है, और बड़ी बात यह है कि लास्ट टाइम गवर्नर साहब ने, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने खुद ऐलान किया कि ये रोड जो है वो जल्द जो है शुरू होगी और ये कंप्लीट होगी। अफसोस की बात यह है कि आज इतनी कोशिश करने के बाद, सब लोगों ने कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन ने, आम आवाम ने, डीडीसी बीडीसीज ने और भी लोगों ने, सब लोगों ने कोशिश की और ये जो रोड है ये रोड शुरू होने वाली थी। लेकिन उसके बावजूद आज आप ये देखिए कि बीआरओ फिर कहता है कि हम ये रोड करेंगे, और वो है 3 मीटर का गोला। हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नर साहब से ये गुजारिश है कि ये रोड लाखों लोगों की रोड है, ये हज़ारों लोगों की रोड नहीं है। इसमें फौज चलती है, इसमें हर रोज़ यहाँ पे जो डिलीवरी केसेस होते हैं या जो क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जानें चली जाती हैं। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, एलजी साहब ने जो वादा किया है हमारे साथ कि ये सब डिविजनल मैंडर 3 तहसीलों की जो ये रोड है ये जल्द बनेगी, और ये जल्द बननी चाहिए। बाकी दूसरी बात, अगर बीआरओ और पीएमजीएसवाई की अगर कोई बात है, एलजी साहब दोनों को बुलाएं और बोलें कि किसको काम देना है। हमें काम वही चाहिए जो अभी प्रोजेक्ट हमारा सेंक्शन हुआ है 86 करोड़ का एक, और उसके बाद जो ब्रिजेस और वो करके तकरीबन 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमें वही प्रोजेक्ट चाहिए, चाहे कोई यहाँ की एजेंसी बनाए, चाहे कोई दिल्ली की एजेंसी बनाए, चाहे कोई बम्बे की एजेंसी बनाए। अगर ये रोड नहीं होती है तो मेंढर की आवाम के साथ बहुत बड़ा एक फिर से धोखा होता है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है ताकि हमारी एक रोड थी बीजी मेंढर बल्लोई रोड, पहले वो बीआरओ के पास थी, उसके बाद जब हमने ये टेकअप किया, डीसी जो कंसर्न डीसी थे हमारी पूंछ के, उनके साथ टेकअप किया था, उन्होंने ये सारे पीएमजीवाई को जो मेंढर का पैसा था वो सारा पैसा एक ही रोड पर लगा दिया, जिसका 86 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, उसमें 4 ब्रिजेज हैं। अब वो रोड टेंडर होने पर जा रही थी तो एक लेटर सामने आ जाती है जिसमें कर्नल जो है बीआरओ के वो लिखते हैं कि ये जो रोड है ये हम आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट कैंसिल करो। ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 10 साल उनको नींद नहीं खुली, कर्नल बीआरओ को, ना ही वो जागे, ना उन्होंने रोड की तरफ देखा, और रोड की इतनी खसी हालत है। ये हार्ड लाइन है हमारी, जम्मू से मिलती है और हमारे लोग सफ़र हो रहे हैं। हमारा यही कहना है कि जब ये प्रोजेक्ट बनते हैं, जब ये प्रोजेक्ट बनते हैं तो ये क्लियरेंस होती है डीसी की, क्लियरेंस ने इनके बीआरओ के अफसर ने क्लियरेंस दी डीसी को, चीफ इंजीनियर को, और ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन किया। इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी हमारे लोग गए, ये डीडीसी बीडीसी उन्होंने वहाँ बात की कि ये प्रोजेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इस पर जल्दी काम शुरू किया जाए। मुझे ये समझ नहीं आती कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़े हैं या कर्नल बड़ा है बीआरओ का। अगर कर्नल या कैसे लेटर लिखता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंक्शन किया है रोड 86 करोड़ की जिसके 4 ब्रिजेज हैं, अगर आप बना सकते थे तो आप पहले क्यों नहीं बनाया? आपने 10 साल आप इस रोड पर सोए रहे, और हमारी ये रोड यहाँ से मेंढर की जो रोड है ये सेंटर होते हुए बल्लोई होते थे 45 किलोमीटर का स्ट्रेंथ है इसका, तो ये जाके पूंछ हाईवे से मिलती है, जम्मू हाईवे से। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ डीएम साहब को, डिविजनल कमिश्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और गवर्नर साहब को, खुदा रही हमारे लोगों पर तर्स खाएं और ये रोड हमारा प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कम्प्लीट करवाएं और इसको हैंड ओवर करें जिसके पास ये आप हैंड ओवर होनी चाहिए। आवाज़ दो।